चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इस ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिकली EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि EO3 इज मोर एसिडिक देन EO2, यानी कि ट्राई ऑक्साइड डाइऑक्साइड से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ट्राई ऑक्साइड में जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। ऑन दी अदर हैंड EO2 यानी कि डाई ऑक्साइड में जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है। और हम जानते हैं कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि EO3 इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड देन EO2। चलिए अब EO2 टाइप ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो O3 और SO2 गैस होती हैं। ऑन दी अदर हैंड SeO2 एंड TeO2 सॉलिड होते हैं। अगर हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स को देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इन ऑक्साइड्स की रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। इसी का ही एग्जाम्पल है कि TeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों ही ऑक्साइड्स में TE और S की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो एक रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सके और दूसरे पदार्थों को रिड्यूस कर सके। अगर हम यहाँ पर टेल्यूरियम और सल्फर की बात करें तो टेल्यूरियम जो है वो आसानी से अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये है कि टेल्यूरियम बहुत आसानी से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं जा पाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर बहुत ईजिली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाता है। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर पाता है। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि EO2 और EO3 दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें डाइऑक्साइड्स की और ट्राइऑक्साइड्स की, ये दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन की। अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स की हैलोजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली ये तीन प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, दैट आर हेक्साहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड डाइहैलाइड, जिनका फॉर्मूला होता है EX6, EX4 एंड EX2। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की बात करें तो वो हैलाइड्स पर डिपेंड करती है, और जैसे जैसे हम हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी डाउन होती है। इसका मतलब फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल एंड आयोडाइड्स आर लेस स्टेबल। चलिए पहले बात करते हैं EX6 टाइप के हैलाइड्स की, यानी कि हेक्साहैलाइड्स की। अगर हम हेक्साहैलाइड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि हेक्साफ्लोराइड्स आर द मोस्ट स्टेबल हेक्साहैलाइड्स, और ये हेक्साफ्लोराइड्स जनरली गैसियस नेचर के होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो इस प्रकार से होता है। इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और इनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। इन सभी हेक्साफ्लोराइड्स में से sf6 यानी कि सल्फर का हेक्साफ्लोराइड एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। चलिए अब बात करते हैं EX4 टाइप के हैलाइड्स की, यानी कि टेट्राहैलाइड्स की। अगर सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम के टेट्राफ्लोराइड्स को देखा जाए तो SF4 यानी कि सल्फर का जो टेट्राफ्लोराइड है वो गैस होता है, SeF4 लिक्विड होता है और TeF4 सॉलिड होता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो sp3d होती है, इनकी ज्योमेट्री ट्राइगुलर बाईपिरामिडल होती है और इनका शेप सी सॉ टाइप का होता है।
चलिए बात करते हैं EX2 यानी कि डाई हैलाइड्स की। डाई हैलाइड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के डाई हैलाइड्स के बारे में एक बात ध्यान देने की है कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता है। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का डाई फ्लोराइड, डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड हमने यहां पर शो किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का साइज तो कंपेरेबल है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के साइज बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसी वजह से जब एक ऑक्सीजन के साथ दो क्लोरीन या दो ब्रोमीन अटैच हो जाएं, तो वहां पर मौजूद क्लोरीन क्लोरीन एटम्स या ब्रोमीन ब्रोमीन एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शन की वजह से OCl2 और OBr2 इतना ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म ही नहीं हो पाते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कुछ डाई हैलाइड डाइमेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो डाइमराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल S2F2, S2Cl2, S2Br2, SE2Cl2 और SE2Br2। लेकिन ये डाइमेरिक फॉर्म्स ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, और इसीलिए इनका डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 moles ऑफ SE2Cl2 डिसप्रोपोर्शनेट होकर SeCl4 और 3 Se बना लेते हैं।